أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العظيم. एक सौ अट्ठावन पे एक नज़्म सफ़रिया है, वो आज हम उससे आगाज करते हैं. इसको इसके उन्वान को दो तरह से तलफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, सफ़रिया और सफ़रिया. अगर आप किताबें देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है जज़ीरा सिसली, अरबी नाम है ये. 1908 में लिखी गई है नज़्म. तकरीबन 200 साल यहाँ मुसलमानों की हुकूमत रही, यूरोप के और बहुत सारे ममालिक के साथ साथ यहाँ भी वो हुक्मरान रहे. और ये बात भी जहन में रखिए, इसका इसके मतन में उसका जिक्र भी आ जाएगा कि इस जज़ीरे के बारे में उर्दू में कोई और नज़्म ना इकबाल से पहले लिखी गई ना इकबाल के बाद लिखी गई. तो ये अपनी नौइयत की वाहिद नज़्म है और खराज तहसीन है उस जज़ीरे को, जो इस्लामी तहजीब और सकाफत का नुमाइंदा रहा 200 बरस. रोले अब दिल खोल कर ए दीदा ए खूनाबा बार, वो नज़र आता है तहजीब हिजाजी का मज़ार. दीदा आंख खूनाबा बार, खून बहाती हुई, खून बरसाती हुई. अपनी आंखों से शायर कह रहा है, नज़र पड़ी है यूरोप से वापस आते हुए उसके पास से गुजरे हैं तो उसे देख के दिल में एक तूफ़ान पैदा हुआ है कि ये वही मकाम है जहां हमारे आबा अजदाद ने हुकूमत भी की और अपनी तहजीब और सकाफत के बेहतरीन नकूश छोड़े. दूसरा मिसरा इस बात की निशानदेही करता है, तहजीब हिजाजी का मज़ार यानी असल मसला. इकबाल के पेश नज़र हर वो खित्ता उनका अपना खित्ता है, उनका अपना मुल्क है जहाँ किसी भी हैसियत में मुसलमान रहे हैं और उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं इंसानियत की, मुआशरे की. था यहाँ हंगामा उन सहरा नशीनों का कभी, बहर बाजी गाह था जिनके सफ़ीनों का कभी. मुसलमान एक ज़माने में बहुत बड़ी बहरी क़ुव्वत थे, उस्मानी तुर्कों के ज़माने में ख़ास तौर पर, और नेवी का आगाज़ हुआ था हज़रत अमीर मुआविया के ज़माने में तारीख़ इस्लाम में. उससे पहले बाज़ाब्ता तौर पर नहीं था, इक्का दुक्का कश्तियाँ और मल्लाह और ये होते थे. ये भी जहन में रखना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने बहरी जिहाद की बहुत फजीलत फरमाई थी बयान. उसके पेश नज़र तुर्कों ने ख़ास तौर पर इधर बहुत तवज्जो दी और उसी के नतीजे में यूरोप में जहाँ जहाँ भी फतूहात हुई और वह अपना तसल्लुत कायम करने में कामयाब हुए, बड़े बड़े नामी गिरामी उनके सिपहसालार थे बहरी फौज के. सहरा नशीनों से मुराद अरब हैं जिनका पस मंजर दश्त व सहरा का था, सहराए अरब का. और दूसरे मिसरे में इशारा है उनकी बहरी कुव्वत का, बाजी गाह खेल का मैदान, सफीना कश्ती. जलजले जिनसे शहनशाहों के दरबारों में थे, बिजलियों के आशियाने जिनकी तलवारों में थे. उनकी शजाअत, बहादुरी और दलेरी और खतरात मोल लेने वाली सलाहियत को बहुत खूबसूरत खराज तहसीन पेश किया. एक जहान ताज़ा का पैगाम था जिनका जहूर, खा गई असर कोहन को जिनकी तेगे नासबूर. नासबूर का मतलब है बेचैन, मुस्तरिब, जिसको सब्र ना हो.
ये लोग ऐसे थे और इनकी तहजीब और इनका दीन ऐसा था जो इंसानियत के लिए एक नई दुनिया की बशारत था, क्योंकि उसमें मसावात थी, उसमें अदल था, उसमें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो इंसानी माशरों के लिए बहुत मुफीद होती हैं। इसलिए ज़रूर इस्लाम को और इन लोगों ने जहाँ जहाँ जिन जिन ममालिक में गए शायर ने उस खित्ते का अहद नौ करार दिया, यानी तारीख का एक नया बाब खुला इन लोगों के आने से। असर कोहन पुराना जमाना, इनकी बेचैन और मचलती हुई तलवारों ने पुराने जमाने को काट डाला और पुराने जमाने के साथ उसकी तमाम वो रिवायात जो नापसंदीदा थी जाहिर है वो भी खत्म हुई। मुर्दा आलम जिंदा जिनकी शोरिश कौम से हुआ, आदमी आजाद जंजीर तवहम से हुआ। बहुत ही खूबसूरत शेर है। कौम अरबी का लफ्ज है उठ उठो उठ। कायनात ऐसे थी जैसे मुर्दा हो और इन्होंने नारा लगाया और कौम कहा तो कायनात जिंदा हो गई। जहां जहां भी गए वहां वहां इंसानी मुआशरे इनकी आमद से जिंदा हुए और हकीकी मानों में इंसानी मुआशरे कहलाए। इनकी वजह से वो जो तवहमात की, तरह तरह के गुमानों की और तरह तरह की माइथोलॉजी की हुकूमत थी वो दरहम बरहम हुई, वो जंजीरें खुल गईं। फिक्र इंसानी भी आज़ाद हुई और अमलन भी इनकी गुलामी की जंजीरें टूटी। तवहम वहम वाहमा नहीं नहीं तवहम इसी तरह जैसे तवक्कुल है उस तरह से। गुलगुलों से जिसके लज्जत गीर अब तक गोश है, क्या वो तकबीर अब हमेशा के लिए खामोश है। ऐसा कोई भी मंजर देखने के बाद हम मुसलसल देखते चले आ रहे हैं कि इकबाल के यहाँ एक शदीद रंज और गम की कैफियत तारी हो जाती है। अब ऐसा क्यों नहीं है? वो लोग अब कहाँ हैं जिन्होंने इंसानियत को नया पैगाम दिया था, जिन्होंने फिक्री गुलामी की जंजीरें तोड़ी थी, जिन्होंने इंसानी मुआशरों में नई रूह फूंकी थी अपनी तकबीर से? वो लोग अब कहाँ चले गए हैं और खुसूसन यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ नहीं है तो जहाँ जहाँ हैं क्या वहाँ वैसे ही हैं जैसे हुआ करते थे? गुलगुला मिशोर गुल जिस तरह आप कहते हैं ऊंची आवाजें, लज्जत गिर लज्जत हासिल करने वाला, लुत्फानंदोज होने वाला गोश कान है। कानों में जो तकबीरें गूंजती थी इन मुसलमानों की, इन लोगों की जो फातिहीन भी थे और बहुत अच्छे इंसान भी थे और कान लुत्फ और लज्जत महसूस करते थे, अब वो तकबीरों की आवाज़ें नहीं आती इस खत्ते में, तो क्या ऐसा ही रहेगा? वो आवाज़ें फिर यहाँ नहीं गूंजेंगी, हमें सुनने को नहीं मिलेंगी? आ ऐसी इसलिए समंदर की है तुझसे आबरू, बहुत तू शहजादी जी है समंदर की, समंदर के माथे का झूमर है तू। रहनुमा की तरह इस पानी के सहरा में तू, पानी का सहरा जैसा पैराडॉक्सिकल इमेज है। सहरा तो होता है रेत का और मछली का, पानी का सहरा ये इकबाल के अलावा किसी ने नहीं कहा। और इसको जरा आप इमेजिन करें कि जो जजीरे हुआ करते थे वहाँ वो मीनार बनाए जाते थे और उन पर रोशनियाँ की जाती थी जो भूले भटके जहाज़ों को और कश्तियों को रहनुमाई करती थी रातों को भी और दिन में भी। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ कहीं भी कोई जजीरा होता था या साहिल होता था वो रहनुमा होता था बहरी सफ़र में। अब पूरे बहरी खित्ते को इन्होंने सहरा बनाया और जैसे सहरा में बाकायदा कोई रहनुमा होता है, गाइड होता है, वो मर्तबा दिया है। रहनुमा की तरह इस पानी के सहरा में है तू, जेब तेरे खाल से रुखसारे दरिया को रहे दुआ दे रहे हैं। इस फारसी में दरिया से मुराद समंदर होता और रिवर को रूद या रूद खाना कहते हैं। ये जो जिंदा रूद है ना, इसका मतलब है ऐसा दरिया जो कभी खुश्क ना हो, तो यहां समंदर ही मुराद है। तेरी शमों से तसल्ली बहर पैमा को रहे, बहर पैमा समंदरी सफर करने वाला, ये वही शमें हैं जो उसके
मीनारों पे, लाइट हाउसेस पे हैं जो रास्ता दिखाती हैं। तू हमेशा सलामत रहे। तू यूं है कि जैसे समंदर का गाल है और उस गाल पे खूबसूरत तिल, और ये तिल हमेशा सलामत रहे। जेब खूबसूरती, खाल तिल। हो सबक चश्मे मुसाफिर पर तेरा मंजर मुदाम, मुदाम हमेशा सबक हल्का फुल्का। मौज रक्सां तेरे साहिल की चट्टानों पर मुदाम, तुझे देख के, तेरा मंजर देख के यहां से गुजरने वाले मुसाफिरों की आंखें ठंडी होती रहे हमेशा। और तेरे इन साहिलों और इनकी चट्टानों पे मौजें रक्स करती रहें, तुझे खराज तहसीन पेश करती रहें, तेरे बारगाह हुस्न जमाल में नजराना पेश करती रहें। इसी तरह तू कभी उस कौम की तहजीब का गहवारा था, उसने आलम सोज जिसका आतिश नजारा, आलम सोज दुनिया को जला देने वाला आतिश नजारा, वो चीज जो देखने में आग लगे और भस्म कर दे, बेहद असर अंदाज हो। सिसली इसे मुखातिब होकर कहते हैं कि तू कभी मरकज था ऐसी तहजीब का, उस तहजीब के उस तहजीब पर अमल करने वालों का, जिनको देख के एक इनकलाब आ जाता था और जिनके तर्ज अमल को देख के खसो खाशाक, वहम के, आलूदगियों के, गुनाहों के सारे भस्म हो जाते थे। ऐसे वो पाक लोग थे और उनका अमल इतना अच्छा था जो दूसरों के लिए मिसाल बनता था। नाला कश शीराज का बुलबुल हुआ बगदाद पर, दाग रोया खून के आंसू जहानाबाद पर, आसमाने दौलत गरनाता जब बर्बाद की, इब्ने बदरू के दिले नाशाद ने फरियाद की। गम नसीब इकबाल को बख्शा गया मातम था, ये नौहा है सिसली का। चुन लिया तकदीर ने वो दिल के था महरम था। इसमें तीन लोगों का जिक्र किया गया और तीन मुल्कों के और बहुत बड़ी सल्तनतों के जवाल का और उनके सुकूत का जिक्र किया गया। नाला कश का मतलब है फरियाद करने वाला, नौहा कहने वाला, मरसिया कहने वाला। शीराज का बुलबुल सादी शीराजी हैं, मशहूर शायर, जिन्होंने बगदाद के जवाल पर फारसी में बहुत खूबसूरत नौहा लिखा था, जिसको तमाम मुहक्किकीन ये कहते हैं कि वो सिर्फ बगदाद का नौहा नहीं है, अब तक वो मौजूद है, हर कोई उसको जानता है और जो लोग शौक रखते हैं वो पढ़ते पढ़ाते हैं, बाज़ यूनिवर्सिटियों के निसाब में भी है, कि वो सही मानों में एक पूरी तहजीब का नौहा है, एक पूरी तहजीब जो बगदाद के ख़त्म होने से ख़त्म हुई। इसी तरह जहानाबाद दिल्ली का नाम है, इसको शाह जहानाबाद भी कहते हैं और वही लफ्ज शाहजहानाबाद मुखफ्फ सूरत में जहानाबाद की शक्ल में भी मिलता है। जवाल दिल्ली पे दाग ने मरसिया कहा था, अपने रंजो गम का नज्म की सूरत में इजहार किया था। ये दो बड़ी मिसालें दी इकबाल ने। दाग की मिसाल, अगरचे दाग की जो नज्म है जवाल दिल्ली पे वो बहुत शाहकार नज्म नहीं है और बहुत गैर मामूली नज्मों में हरगिज शुमार नहीं होती, लेकिन इकबाल के लिए जरूरी था कि उसका जिक्र कर दें, इसलिए कि उन्होंने दाग से इस्तेफादा किया था, दाग के शागिर्द भी थे। मैं जब ये कह रहा हूँ कि दाग की नज्म कोई बहुत बड़ी गैर मामूली नज्म नहीं है, तो गालिबन ये एक गैर मोहतात सा बयान होगा, क्योंकि मेरे पेश नज़र कुछ अरबी की और कुछ फारसी भी की भी इसी नौयत की नज़में हैं, उनसे मुकाबला करके अगर हम देखें तो दाग की नज्म बहुत बेमिसाल नज्म नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ उर्दू अदब में देखें, और इकबाल ने भी गालिबन वही पेश नज़र रखा होगा, तो बहरहाल दाग की वो नज्म बहुत बड़ा खराज तहसीन है उस मिट जाने वाली तहजीब के लिए और उस गायब हो जाने वाली सल्तनत दिल्ली के लिए। इसी तरह गरनाता, जिससे इकबाल की बहुत ही बेमिसाल मोहब्बत थी, हम उनकी शाहकार नज्म जब पढ़ेंगे मस्जिद बरतुबा तो वो भी उसी खत्ते से मुतालिक है। इब्ने बदरू एक अरबी शायर थे, वहाँ उन्होंने ज़वाले गरनाता का नौहा लिखा। ये नौहा भी अदबी शाहकार अदब आलिया का, आलमी सतह का शुमार होता है।
कई तर्जमे हो गए। अच्छा, ये कोई एक आध नज़्म नहीं थी, इब्ने बदरू ने एक सीरीज लिखी थी नज़्मों की जो मौजूद हैं, उनके अंग्रेजी तराजम भी मौजूद हैं। इसलिए तुझे रोने वाला कोई नहीं है सिवाय इकबाल के, मुझे ही ये तौफीक हुई और मेरे ही जिम्मे ये फर्ज आयद हुआ कि तेरे जवाल का नौहा मैं कहूँ, इसलिए कि शायद तेरा दुख दर्द मैं ही महसूस कर सकता हूँ और मेरी ही ये जिम्मेदारी। और उन्होंने हक भी अदा कर दिया है, तेरे आसार में पोशीदा किसकी दास्तां, तेरे साहिल की खामोशी में है अंदाज़े बयां, दर्द अपना मुझसे कह मैं भी सराबा दर्द, जिसकी तू मंजिल था मैं उस कारवां की गर्द। रंग तस्वीरें कुहन में भर के दिखला दे मुझे, किस्सा अय्यामे सलफ का कह के तड़पा दे। इकबाल की रूह जो है ना उसी फजा में रहना चाहती है जब बहुत सारी फिरका परस्तियां नहीं थी, मसलक नहीं थे, लड़ाइयां और झगड़े नहीं थे, सब अच्छा खूबसूरत था, मबनी पर खैर था। मैं तेरा तोहफा सुए हिंदुस्तान ले जाऊंगा, खुद यहाँ रोता हूँ औरों को वहां रुलवाऊंगा। हमेशा हमेशा तवहम वहम वहम शक शुबा ख्याली चीजें तवहमात उसी की जमा है। जी हाँ, 163 सफ़े पे एक गजल है जिस पर गजल नंबर 2 लिखा हुआ होगा। गजलों में थोड़ी सी मुश्किल ये पेश आती है कि जरूरी नहीं कि किसी पूरी गजल में कोई एक ही ख्याल हो, बिलउमूम कई कई मरकजी ख्याल होते हैं मुख्तलिफ अशार के, इसलिए थोड़ा सा उसका मसाला मुख्तलिफ होता है। नज़्म में तो एक ही फिक्र और एक ही ख्याल होता है जो पूरी की पूरी नज़्म कार फरमा होता है। इलाही अकले खुजस्ता पे को जरा सी दीवानगी दिखा दे, सीन डाल दीजिएगा, सिखा दे, दिखा दे, सिखा दे जरा सी, सी सिर्फ ये है मेरे पास तो लिखा हुआ, यहाँ पर सिखा ही लिखा, नहीं नहीं सी अभी जरा सी जी। इसे है सौदाए बखिया कारी, मुझे सरे पैरहन नहीं है, मिला मोहब्बत का सोज मुझको तो बोले सुबह अजल फरिश्ते, मिसाले शमे मजार है तू, तेरी कोई अंजुमन नहीं, यहाँ कहाँ हम नफस मुयस्सर, ये देश ना आशना है ऐ दिल, वो चीज तू मांगता है मुझसे कि जेरे चरखे कुहन नहीं है, निराला सारे जहां से इसको अरब के मेहमान में बना। क्या बात है भाई, बिना यानी बुनियाद, बिना हमारे हिसारे मिल्लत की इत्तेहाद वतन नहीं है। अब ऐलान हो रहा है उस इकबाल का जो सही इकबाल हैं, जो इनकलाब आया फिक्री इनकलाब। कहाँ का आना कहाँ का जाना, फरेब है इम्तियाज उकबा, नमूद हर शय में है हमारी, कहीं हमारा वतन नहीं, मुदीर मखजन से कोई इकबाल जाके मेरा पयाम कह दे, जो काम कुछ कर रही हैं कौमें उन्हें मजाक सुखन नहीं है। फजस्ता पै मुबारक कदमों वाला बाबरकत वजूद, पै पांव को कहते हैं, सौदा जुनून पागलपन, कोई धुन सवार हो जाना भी सौदा कहलाता है। बखिया कहते हैं टांका लगाने को, सीने को, बखिया कारी सीने का अमल, सरे पैराहन लिबास का ख्याल, यहां सर से मुराद ख्याल है फारसी में यही होता। जनाब इसमें मदद फरमाया आप, अच्छा है दिल के सास रहे पासबाने अकल,
लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे, वही इसका भी मफहूम है, मरकजी ख्याल उसका वही है कि हमेशा अक्ल की गिरफ्त में रहना और अक्ल के मेयारात के मुताबिक चलना मुमकिन नहीं होता, और खुसूसन ऐसे आदमी के लिए जिसकी तबीयत में शायरी है, तख्लीक है, रुमानवियत है, बहुत बड़ी वसअत है, वो सारा कुछ मंतिक और रियाजी के फार्मूलों के मुताबिक नहीं कर सकता। तो बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, ये अक्ल बहुत मुबारक है, बरकत वाली है, बस इसमें थोड़ा सा जुनून का रंग डाल दीजिए, इसलिए कि जो लोग इनकलाबी होते हैं या कोई हदफ रखते हैं, नस्बुल ऐन रखते हैं, वो जो उन्हें नस्बुल ऐन से जोड़ के रखती है चीज और उसके लिए हर कुर्बानी पर आमादा कर देती है, उसी को तो जुनून कहा जाता है। वो नफा नुकसान से बेनियाज हो जाते हैं, जाती सूद और जियां से ऊपर उठ जाते हैं। वरना तो आप सारा हिसाब किताब कर लीजिए, जितने बड़े साइंसदान जिन्होंने बड़ी बड़ी तख्लीकात की हैं, इजादात की हैं, अगर वो इस जुनून से खाली होते तो कुछ भी ना कर सकते। खाने पीने का होश नहीं रहता, जैसी जैसी मुख्तलिफ मजहबों के प्रचारक लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इसमें तमाम मजाहब को शामिल कर लीजिए, वो तसव्वुर नहीं किया जा सकता उसके बगैर। खुद हमारे मजहब में जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक है और क़यामत तक रहेगा, हजारहा उसकी मिसालें मौजूद हैं। ये अक्ल का तकाजा है फटे हुए कपड़े को भी सीना, जोड़ना, मामलात को बेहतर करना, जबकि मुझे तो कपड़े भी नहीं चाहिए, मुझे तो मलबूस भी नहीं चाहिए। ये मलबूस वो हैं दुनिया की ख्वाहिशें और वो लालच जो नस्बुल ऐन से हटाएं। यानी अक्ल का और मेरा तो कोई गठजोड़ बनता ही नहीं है, इसलिए उसकी तरजीह है कपड़े को सीना, टांका लगाना, और इधर ये आलम है कि मलबूस की परवाह ही नहीं है, मुझे तो वो चाहिए ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जुनून जब होता है तो शायरी में उसके साथ ही एक अलामत उसकी लगा देते हैं, गरेबा चाक, या अपना गरेबा चाक या दामन यजदा चाक, ये है इसका सारा पस मंजर। उसमें थोड़ा सा जुनून डाल दे, थोड़ा सा उसमें जुनून डाल दे। एक बात और, यही ये जो लफ्ज है बार बार दो तीन बार आया जी, इससे मुराद तो जाहिर वही है कि बूढ़ा आसमान, तो इससे मुराद क्या है? मतलब वो ऐसा वक्त जो रात की जो तारीकी है वो उसके ढलने का वक्त इससे मुराद लिया गया है, या बूढ़ा आसमान से क्या मतलब लेते हैं? जी हाँ, हाँ जी, बूढ़ा आसमान इसलिए कहा जाता है कि वो हमेशा से मौजूद है और हमेशा तक रहेगा, और उसने पता नहीं कितने कितने उरूज व ज़वाल देखे हैं कौमों के और लोगों के, और इससे मुराद असल में ज़माना है या तकदीर का जबर है या हालात व वाक़ियात का जबर है सारा। आप कह लीजिए ज़माना चरखे कोहन से मुराद ही है। दूसरा मसला ये भी जहन में रखें कि कदीम ज़माने में अच्छाइयों का आना और नापसंदीदा चीज़ों का आना, किस्मत का अच्छा होना और किस्मत का अच्छा ना होना, ये आसमान के खाते में डाल दिया जाता था और सितारों के खाते में डाल दिया जाता था। लेकिन इसको बूढ़ा क्यों कर दिया? बूढ़ा असल से है, हमसे तो बूढ़ा है, हमाला के साथ भी काम जी, हमाला के साथ भी वही ना, मतलब वो इंसान और इंसानी माशरों के मुकाबले में चूंकि पुराना है, उसका ये मतलब है कि जहां दीदा भी है, उसने बड़ी बड़ी कौमें और पता नहीं क्या क्या कुछ देखा हुआ। उस पे कहते हैं पीरे गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई जी, जवाब शिकवा के अंदर पीरे गर्दू के बूढ़े ने बूढ़ा आसमान जी, बूढ़े आसमान की बात, तो ये बहुत कसरत से वो अल्फाज ये इस तरह के इस्तेमाल करते हैं। चरख का लफ्जी मतलब है पहिया, घूमने वाला, तो ये भी चरखा जिस तरह है जी। फारसी में साइकिल को दो चरखा कहते हैं, दो पहियों वाला जी हाँ।
और रिक्शा को से चरखा कहते हैं। ये तालिबान वहां नहीं है जी हाँ जी, ये जो आखिरी बंद है सर, ये मास्टर जो था ये क्या प्योरली अदबी एक सादा था जदीदा था? अभी हम वहां नहीं पहुंचे, आ रहे हैं बस, थोड़ा थोड़ी थोड़ी मोहलत दीजिए। ये जो दूसरे शेर में देखें, सोज़े मोहब्बत एक बहुत बड़ी मुश्किल चीज है। सोज़े मोहब्बत जिसको मिलता है वो आहिस्ता आहिस्ता तनहा होता जाता है, ये ख्याल पहले भी हमने जिक्र किया था। याद है एक शेर भी मैंने आपको सुनाया था, दूर तक कोई हमनवा ना मिला, किस बुलंदी पे आशियाना मिला। मोहब्बत ऊपर 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 अरफा और आला करती जाती है, जितना इंसान आला अरफा होता जाता है उसके साथ देने वाले कम होते जाते हैं, इसलिए कि उनकी करजियात तो मुख्तलिफ होती हैं। जब रस्ते मुख्तलिफ हो गए तो साथ देने वाले कहाँ आए। एक बहुत ही खूबसूरत मिसरा है अरबी का, इजाजत दें तो मैं यहाँ लिख दूँ। इज़ा अज़ुम अल मज़लूब इज़ा जब अज़ुम अज़ीम हुआ, बड़ा हुआ, मतलूब मकसद, जब मकसद बड़ा हो गया, कल अल मसाइब क़लील हो गए, कम हो गए साथ देने वाले, मसाइद है साथ देने वाले। बंदा कल्ला रह गया, मुनीर नियाज़ी, मुनीर नियाज़ी तो और वजह से कल्ले रह गए थे, लेकिन बात वही है, बिल्कुल वही बात। जब बारगाह इलाही में मुझे मोहब्बत का सोज अता किया गया, और वो बड़ी नेमत है हर एक को नहीं मिलता, मुझे जब अता किया गया तो फरिश्तों ने मुझे मुबारकबाद भी दी और ये भी कहा कि बच्चे अल्ले अब तो सारी जिंदगी अकेला ही रहेगा। मिसाल है शम्मे मजार, शम्मे मजार के साथ कोई रात नहीं गुजारता है, वो सिंबल के तौर पे लाया गया, जैसे वो अकेली होती है उसी तरह तेरी कोई महफिल नहीं है, कोई बज्म नहीं है, तूने अकेले रहना है। इकबाल लाला सहराई भी इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, उसके हुस्न जमाल को कोई नहीं लुत्फानंदोज होने वाला, वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लेकिन इससे ये वाज़े होता है कि उन्हें उसका एहसास था कि उनके दिल में कोई खुसूसी नेमत दी गई है, ये वही नेमत है जो दूसरों का दुख दर्द महसूस करती है, अपने माजी और हाल और मुस्तकबिल का जायजा लेती है और उसके लिए कोई लाह अमल बनाती है, यही वो इंसानियत का दुख है। या हम नफस साथी, कोई जेर चढ़ते कोहन आ गया फिर, तुझे दोस्त की और साथ देने वाले की ख्वाहिश है, मगर ये एक अजनबी मुल्क है, यहाँ कोई वाकिफ कार नहीं है, और जो चीज़ आपको चाहिए वो तो इस आसमान के नीचे आपको मिलने की नहीं है, नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल वही ख्याल है जो जलालुद्दीन रूमी के एक शेर में है, जिसे इकबाल ने असरार खुदी के शुरू में रखा, कि मैं एक शेख हाथ में चराग लिए रोशनी में घूम रहे थे, मैंने पूछा आपको किस चीज़ की तलाश है, उन्होंने कहा मैं इंसान की तलाश में हूँ, क्योंकि मैं इन जानवरों से तंग आ गया हूँ, इन जानवरों और दरिंदों से थक हार गया हूँ, वो इंसान ही थे जिनको वो जानवर और दरिंदे कह रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि इंसान तो नहीं मिलेगा आपको, उनका खुद अमल भी यही बता रहा था, वो जो दिन में चराग लेके जा रहे थे ना, वो भी तो एक तंज था कि इस मुआशरे में कोई नहीं है इंसान। तो शेख ने मुझे ये कहा कि वो जो नहीं मिलता ना उसी को ढूंढना है। मैं गुफ्तान के याफ्त मी न शबत मुस्तहीम मा, गुफ्तान के याफ्त मी न शबत आनम आरजूस, तो आरजू भी तो बड़ी है, मुख्तलिफ है, मिल जाने वाली चीज की आरजू तो बहुत मामूली चीज है, बड़ी आरजू वही है उसी चीज की जो मिलती नहीं है। राबिया बसरी, तो कसरत में उनका जिक्र करता हूँ, उनसे रिवायत है कि वो बिलअमूम पर्दा नहीं करती थी, उसका बहुत ज़्यादा अहतमाम नहीं करती थी। उनके एक हमअसर बुजुर्ग थे, उनका नाम था हसन बसरी, उनसे पर्दा करती थी,
तो लोगों ने कहा कि हसन से तो इतने नेक और अच्छे और आलिम और फाजिल और अल्लाह से डरने वाले इंसान हैं, इनसे आप क्यों पर्दा करती? उन्होंने कहा बाकी तो सब हैं, कोई बंदर है, कोई रीछ है, कोई गधा है, कोई घोड़ा खोता है, इंसान तो यही है और इंसान से मैं पर्दा करती हूँ। तो बहरहाल ये सारी बातें हमारे अदब में और हमारे तसव्वुफ़ के ज़ख़ीरे में मुख्तलिफ़ कहानियों में, अलामतों में, शायरी में बयान होती चली आई। इस कायनात में आपको हम दर्द, हम सुखन, हम नफस नहीं मिलेगा। उसकी ख्वाहिश ख्वाहिश बेजा है, उसकी ख्वाहिश जारी रखिए, तलाश करते रहिए। ये भी जहन में रखिए कि ये ऐसी मंजिल है जो नहीं मिलेगी, तो फिर आप दिल शिकस्ता ना हों। इसमें नाकामी का तय करके घर से निकलिए इस सफर के लिए। बहुत खूबसूरत शेर, इसमें कोई मेरा ख्याल मुश्किल लफ्ज नहीं है, सिर्फ ये मैं अर्ज करूंगा, हिसार तो कला होता है कि हमारी जो कौम है और हमारी कौमियत का तायुन इलाकों से नहीं होता, जुग्राफियाई हदें हमारा वतन मुतायन नहीं करती, वो मुख्तलिफ है हमारा काम। ये ख्याल भी चूंकि इकबाल के यहाँ उर्दू फारसी में बार बार आया है और इसके पस मंजर से भी आप आगा आए, हम आगे एक नज्म भी पढ़ेंगे, वहां थोड़ा सा इसको खोल के बयान कर लेंगे अगर कोई जरूरत हुई तो। जी, इससे अगला शेर थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे मदद चाहिए होगी। कहाँ का आना कहाँ का जाना, फरेब है इम्तियाज उकबा, नमूद हर शय में है हमारी, कहीं हमारा वतन नहीं है। उसी से मिलता जुलता ही ख्याल है, ये थोड़ा सा फलसफियाना और थोड़ा सा सूफियाना इस्तिलाहों की रोशनी में बयान किया गया है, इसलिए जरा मुश्किल हो गया। ऐ मेरी मदद करने वालों, जरा जल्दी कर दिया करो। गोया फिर आता है ये आप सबको, मैं फिर बाद में आपसे पूछ लूंगा। इम्तियाज फर्क करना। नमूद जाहिर होना, बिल्कुल। देखें मसाइल हल हो रहे हैं माशाल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। बहुत खूब बात की इन्होंने। एक मसले का हल हमेशा याद रखिएगा, एक और मसले के दरवाजे पे दस्तक देता है। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, मुनीर ने हंस। तो बस वही है, उकबा आखरत और नमूद जाहिर होना, आगे चलिए। कि ये जो आमदोरफ्त है हमारी इस दुनिया में, ये कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है और अजीबोगरीब बात नहीं है, ये एक मरहला है, एक सफर है। हम अपने यौम पैदाइश से लेके अपने यौम वफात तक एक मुसलसल जारी रहने वाले सफर में हैं, ये एक पड़ाव है। वरना तो हम पता नहीं कब से हैं, इसलिए कि हमें जो रूह है वो अजली और अबदी रूह है और हमेशा तक रहेंगे। तो इस दुनिया को आखिरत से अलग करके देखना और सोचना अजीब बात है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए भी कि ये दुनिया उस आखिरत से जुड़ी हुई है, ये खेती है और इसमें हम बीज बोएंगे और उसका हासिल और उसका फल उठाएंगे आखिरत में। हम ही रूह कायनात हैं, ये मतलब है इसका। अजमत इंसान और खुदी के तसव्वुर की तरफ ले जाने वाला ये शेर है। इनकी सर थोड़ी बता दीजिए, हम इस चीज़ इसी थॉट को किसी तरीके से उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ तो खुदा जी, कहीं से जाती है जी, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा। असल में यूं कहना नहीं चाहिए, वो तो फर्ज करें इकबाल के पूरे कलाम को और उनके दीगर तसानीफ को सामने रख कर बात करनी चाहिए। अगर ये शेर इकबाल का ना हो और आपको सबाक से कट के मेरे सामने आए, तो मैं कहूंगा ये वहदतुल वजूद का शेर है। लेकिन अब वही बात है जो गालिब ने अपने हिसाब से कह दी और बड़ी गैर मामूली बात है बिलाशक कुशुबा। अब हमें
इसको उसी रूह के साथ लेके इस तरह की इसकी तफसीर और तशरीह और ताबीर करनी है कि इकबाल की असल फिक्र से मुतसादिम ना हो। बात तो वही है लेकिन बहुत सलीके से की गई। हमारा हर जगह वतन है, आखिरत भी हमारा वतन है, ये भी हमारा वतन है, हम कहीं भी मुसाफिर नहीं है, गरीबुल वतन भी नहीं है। और अगर यहाँ आए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको आप अलग समझें और आखिरत को बिल्कुल अलग समझें, इनमें फर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये सारा खेल तमाशा हमारे लिए लगाया गया, हासिल कायनात हम हैं, रूह कायनात, रूह वजूद हम इंसान। तो फिर इसको फरेब क्यों कहा गया? धोखा कुरान शुरू कर रहे हैं। हाँ, ये फरेब है, ये फरेब है। वैसे भी मताउल गुरूर कहा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कि दुनिया और इसका सारा कुछ जो है, एक तो ये मताए कलील है, बहुत हकीर सी हैसियत है इसकी। दूसरा ये एक ऐसा सरमाया है जिसकी सारी बुनियाद वहम पर और खेल तमाशे पे है। हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला गालिब। मजाक ये वो हंसी मजाक वाला नहीं है यहाँ, इससे मुराद और बल्कि असल मतलब ही उसका ये है ज़ौक टेस्ट। इकबाल ने जब शायरी छोड़ देने का फैसला किया और मुदीर मखदन जो सर अब्दुल कादिर थे उनकी तहरीक पर और कुछ और दोस्तों की तहरीक पर वो दोबारा इस तरफ माइल हुए, ये दीबाचा बांगे दरा में आपको इसकी तफसील मिल जाएगी, हम इस पर बात भी कर चुके हैं। उसी हवाले से ये एक शेर है, ये भी है कि सर अब्दुल कादिर बहुत तकाजा करते थे इकबाल से बार बार कि जी मेरा अगला रिसाला तैयार है, उसके लिए कोई नज़्म दीजिए, कोई गज़ल दीजिए। गालिबन जिस दौर में कुछ अरसे के लिए इकबाल शायरी से हटे उस दौर में भी कोई तकाजा किया होगा सर अब्दुल कादिर ने, तो उस वक्त ये ख्याल था इकबाल को कि जो बहुत मेहनत और मशक्कत करने वाली कौमें हैं आजकल वही सरबुलंद हैं और उनके यहाँ शायर बहुत कम होते हैं, और हमारे यहाँ तो लखनऊ दिल्ली लाहौर में मतलब शायर ही शायर हैं, कसरत शुआरा में घिरी हुई कौम। और वो जो शायर का तसव्वुर था वो भी इकबाल की वजह से टूटा, वरना तो शायर का बड़ा मनफी तसव्वुर था, वो जी बस बटेर लड़ाएंगे, तीतर लड़ाएंगे या आराम से लिफाख्ता उड़ाएंगे, बहुत बांके सजीले और इंसानियत और उसके मसाइल से कोई इल्म नहीं होता था, मालूम ही नहीं होता था, बस अपने ख्वाबों ख्यालों में रहना और एक अहमकों की जन्नत वाला होता था माजरत के साथ मामला। वाज़े है जनाब? ये एक तवील गजल है और ये मानवी एतबार से नज्म है, यानी इसमें बुनियादी ख्याल एक ही है और इसीलिए इकबाल ने इस पर उनवान भी दे दिया मार्च 1907 की तारीख को इकबाल की फिक्र में एक संग मील की हैसियत हासिल है, समझ लेना चाहिए इसको। यूरोप जब वो गए तो एक इससे पहले वो कौमियत का जो मकामी तसव्वुर था कि कौम वतन से बनती है और हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की अजमत वगैरह के मसाइल और कुछ और मामलात, और ये वाज़े नहीं था, कुछ परछाइयाँ और साए वो ज़रूर महसूस करते थे जो उनके दिल में मौजूद थे, वो बहुत सारी चीज़ें खुलकर उनके सामने नहीं आई थी और वो तय नहीं कर पाए थे उस वक्त तक, और ये वो मरहला है जिसमें सारा कुछ तय हो गया था और उन्होंने फैसला कर लिया था कि ये उनका मुस्तकबिल है, ये उनका नस्बुल है, और हर नफा नुकसान से बालातर होकर उन्होंने इस रास्ते पे चलना, ये उसका एलानिया ऐलान कर रहे हैं कि मेरा मसलक ये है, मेरा नस्बुल ऐन ये है, मेरा मंशूर ये है। जमाना आया है बेहिजाबी का, आम दीदारे यार होगा, सुकूत था पर्दादार जिसका, वो राज अब आश्कार होगा, आश्कार जाहिर सुकूत खामोशी,
गुजर गया वो दौर साकी के छुप के पीते थे पीने वाले, बनेगा सारा जहान मैखाना हर कोई बादा खार होगा। कभी जो आवारा जुनू थे वो बस्तियों में फिरा बसेंगे, बरहना पाई वही रहेगी मगर नया खारजार होगा। बरहना पाई नंगे पांव होना, खारजार कांटों का जंगल। सुना दिया गोशे मुंतजिर को हिजाज की खामोशी ने आखिर, जो अहद सहराइयों से बांधा गया था फिर उस्तवार होगा। क्या अहद बांधा गया था सहराइयों से? क्या आपको इज्जत अजमत हुकूमत इक्तदार मिलेगा? आप उम्मत वसत हैं, आप खुद को मामूली ना जानिए, सर बुलंद रहेंगे आप इस दुनिया में अगर उस रास्ते पे चलेंगे, ये अहद था। और देख वो ये रहे थे और इसी कश्मकश में थे कि पैसा तो नहीं हो रहा, हो तो सब कुछ उसके खिलाफ रहा। निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुदसियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होगा। कुदसी फरिश्ते, किया मेरा तस्करा जो साकी ने बादा खारों की अंजुमन में, तो पीरे मैं खाना सुन के कहने लगा के मुंह फट है खार होगा। मैं अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश, मैं जहर हलाल को कभी कह न सका बंद। जो बात सच है वही होगी जो भी होगा, और जहर ख्वारी होगी, पहले ही बता दिया गया था। ये वो कैलकुलेशंस हैं जो अकल ने बताई कि जनाब ये होगा ये होगा ये होगा, जाहरी तौर पे आप नाकाम होंगे। तो जो आशिक है, जो साहिब जुनून है, जिसे सोज़े मोहब्बत अता हुआ है, उसका नफा नुकसान बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो उसे कबूल। दियारे मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, खरा जिसे समझ रहे हो वो अब जरे कम यार होगा। जरे कम है यार, खोटी करेंसी, ऐसा सोना जिसमें खोट ज्यादा मिला हुआ हो। ये चकाचौंध आपकी तहजीब की सकाफत की ऐसे नहीं रहेगी, ये घाटे का सौदा। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। उसूल की बात सलाम। सफीना सफीना बरगे गुल बना लेगा काफिला मूरे नातवां का, कमजोर चींटी मूरे नातवां। चींटियों का ये जो काफिला है, ये फूलों की पंखड़ियों की कश्ती बना लेगा। क्या अच्छा है, क्या शायराना अंदाज में बात की गई। हजार मौजों की वो कशाकश, मगर ये दरिया से पार होगा इंशाल्लाह। ये इसका सफीना किनारे पे लगेगा, पार उतरेगा ये काफिला। ये मूरे नातवां आपके ख्याल में कौन हो सकते हैं? मुसलमान, और खुसूसन वो यहाँ इकबाल ने आना है। चमन में लाला दिखाता फिरता है दाग अपना, कली कली को ये जानता है कि इस दिखावे से दिलजलों में शुमार होगा। क्या बात, ऐसे मांगे तांगे के दाग से तो आदमी दिल जला नहीं बनता। दिल जला तो वही होगा असली और सच्चा, तो वो होगा जिसका दाग फितरी। जो एक था ए निगाह तूने हजार करके हमें दिखाया, यही अगर कैफियत है तेरी तो फिर किसे एतबार होगा। आंखें धोखा देती हैं, एक चीज की कई कई चीजें दिखाई देती हैं। ये जो कई कई चीजें दिखाई देना है, ये मुख्तलिफ मजहब भी हैं, मसलक भी हैं, किसी भी नुक्ते नज़र की एक से ज़्यादा तशरीहें और ताबीरें ऐसी कि जो इंसान को हवास बाख्ता कर दें और पता ही ना चले कि इनमें से हकीकत क्या है और झूठ क्या है और कौन सा रास्ता। जी बिल्कुल लिया जा सकता है। यही अगर कैफियत है तेरी तो फिर किससे आगे क्या लिखा है? एतबार, एतबार, एतबार होगा। कहा जो कुमरी से मैंने एक दिन यहाँ के आजाद, पाबगिल पाबगिल मट्टी में कदम,
मट्टी में कैद होना, गिल मट्टी पा पाऊं, जो तो उनसे कहने लगे हमारे चमन का ये राजदार होगा। इसका मतलब ये है कि गुलचों ने ये कहा कि जिस आदमी ने ये बात की है ना, वो हमारा दुख दर्द जानता है, हमारे मसाइल को वो समझ सकता है, वो दीदावर है, कुमरी फाख्ता है, आजाद। सर्व को आजाद कहा जाता है, सर्व जो पौधा होता है ना उसे आजाद कहा जाता है। और खुद वो उसकी जो अलामत है सर्व की, वो भी अगर आप सुन लें तो सहूलत हो जाएगी, आगे कहीं हमें उससे वास्ता पड़ेगा। सर्व को शुआरा ने और खुसूसन इकबाल ने दो तीन हवालों से उनका जिक्र किया है। हमेशा वो सीधा रहता है, झुकता नहीं है, उसकी साख्त ऐसी है। चुनाचे सर न झुकाने वाले आदमी के इस्तारे के तौर पे सर्व का इस्तेमाल करते हैं शुआरा, इसीलिए सर्व आजाद कहा जाता है। हमेशा सरसब्ज भी रहता है और अपनी इस सर बुलंद रहने की कीमत चुकाता है कि उस पर कोई फल नहीं लगता, बेसमर रहता है। अब ये सारे मानी और मफाहीम कहीं कहीं जहां कहीं सरों का जिक्र होगा तो उसमें पस मंजर में से झलक रहे होंगे। पाबा गिल से मुराद है कि कदम बंधे हुए हैं जी मट्टी में, यानी सर आजाद है मगर चल नहीं सकता, मसाइल का शिकार है, कहीं ना कहीं उसको भी कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है। कैदी तो फिर भी कहीं ना कहीं है, जड़ें तो उसकी मिट्टी में है, जड़ें तो मट्टी ही में है, जड़ें मिट्टी में होती है, वो पापा गिल है। खुदा के आशिक तो हैं हजारों, हमारे एक दोस्त इसको बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं बन्नू में, आजकल के तनाजुर में खासतौर बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो। ये रस्म बज़्म फना है ऐ दिल, गुनाह है जुम्बिशे नजर, रहेगी क्या आबरू हमारी जो तू यहाँ बेकरार होगा। सब्र ज़ब्त तहम्मुल, ये वो महफिल है, ये वो बारगाह जमाल है जहाँ पलक झपकेंगे तो बेअदबी हो जाएगी, और यहाँ दिल का फड़कना तड़पना और चीखो पुकार करना फरियाद करना उसकी तो हरगिज़ गुंजाइश नहीं। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और आगे उन्होंने एक और बहुत खूबसूरत गज़ल में यही बात की है, नजारे को ये जुम्बिश मिजगां भी बात है कि जब दीदार का अमल शुरू होता है तो उस वक्त पलकों का झपकना भी बेकार लगता है और दीवार लगता है और रुकावट लगती है, बीच में नहीं होनी चाहिए पलकें, नहीं होनी चाहिए, झपकना ना पड़े। नरगिस की आंख से तुझे देखा करे कोई, नजारे को ये जुम्बिश मिजगां भी बार है, नरगिस की आंख से तुझे देखा करे कोई। नरगिस की आंख झपकती नहीं कि उस एक लम्हे में जब आंखें झपकती हैं और तुझे नहीं देख सकता मैं, तो वो भी बोझ है मेरे लिए कि वो एक पल भी क्यों जाया हुआ। मैं जुल्मते शब में लेके निकलूंगा अपने दरमादा कारवां को, शरर फशां हो गया मेरी नफस, मेरा शोला बार होगा नफस सांस, शरब अंगारा शोला चिंगारियां, दरमांदा थका हारा आजिज, दरमांदा कारवां थका हारा काफिला कौन। कैसी उम्मीद का शेर है और कितना सच्चा शेर है ये। नमूद का लफ्ज फिर आ रहा है, नहीं है गैरज नमूद कुछ भी जो मुद्दा तेरी जिंदगी का, तो एक नफस में जहां से मिटना तुझे मिसाल शरार होगा। न पूछ इकबाल का ठिकाना, अभी वही कैफियत है उसकी, कहीं सरे राह गुजार बैठा सितम कशे इंतजार होगा। सितम कश तकलीफ या जुल्म उठाने वाला, बर्दाश्त करने वाला। दाखिल हो गए हैं जनाब एक तीसरे हिस्से में, अल्लामा वापस आ गए 1908 में बर्रे सगीर में, और 192 सफ़े पे तराना मिल्ली के नाम से एक नज़्म है, वो हम जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे। इससे पहले ये पस मंज़र जहन में रखें कि आपने तराना हिंदी नाम की एक नज़्म भी पढ़नी है या पढ़ी होगी या सुनी होगी, चीनों नहीं
हिंदुस्तान हमारा हम उन मिले हैं इसकी सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, ये इस किताब में सफा 88 पे मौजूद है। एक रुख वो था यूरोप जाने से पहले, वो जो तसव्वुर है कि कौमें वतन से बनती हैं, और दूसरा नुक्ता नजर था कि कौमें मजहब या सोच या अकीदे की बुनियाद पे बनती हैं। इनमें बहुत ज्यादा फर्क है, इसमें बहुत वाज़ह सूरत इन दो तरानों में मिलती है। वो नज़्म अपनी जगह पे बहुत अहम है कि हिंदुस्तान में अब भी उसे बहुत पसंद किया जाता है, हम भी उसे बहुत पसंद करते हैं, बिल्कुल ऑन भी करते हैं, लेकिन उसकी एक तारीखी अहमियत भी है। हिंदुस्तान का यौम आज़ादी कौन था? 15 अगस्त 1947, जो उसकी पहली पार्लियामेंट थी, उसके पहले इजलास में वो नज्म बतौर तराना पढ़ी गई थी, इकबाल की वो नज्म जो सफा 88 पर है, जिसका उन्वान है तराना हिंदी। इतनी बड़ी उसकी तारीखी हैसियत है। वो नुक्ता नजर अब तब्दील हो गया है। मार्च 1907 का जो एक संगे बील मैंने अर्ज किया, वाज़े तौर पर हम कह सकते हैं कि उससे पहले के इकबाल और उसके बाद के चीन और अब हमारा वसत, अब तो आफाकी और कायनाती, चीन और अब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, दुनिया के बुत कदों में पहला वक़्त खुदा का, हम उसके पास वहाँ हैं, वो पास हमारा जिसे इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया। वइज़ यरफ़ऊ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत इस्माइल, तेगों के साए में हम पलकर जवान हुए हैं, खंजर बिलाल का है कौमी निशान हमारा, मगरब की वादियों में गूंजी अज़ान हमारी, थमता न था किसी से सैरे रवां हमारा, सैलाब था हमारा बहता हुआ सैलाब और रोके से रुकता नहीं था, बातिल से दबने वाले ऐ आसमान ही ना, 100 बार कर चुका है तू इम्तहान। इम्तिहान अरबी लफ्ज है, इसका लफ्जी मतलब है खरे खोटे को अलग अलग करना, परखना। ऐ गुलसितान अंदलुस, वो दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों में जब आशियां हमारा। इसको बड़ा दुश्वार हो जाता है बादों का पढ़ना। ऐ मौजे दजला, तू भी पहचानती है हमको, अब तक है तेरा दरिया खाना खा हमारा। तहजीब के तमाम बड़े मरकज उनका जिक्र है, जिन्होंने इंसान की तारीख में नुमायां किरदार अदा किया और उसमें जो मुसलमानों का हिस्सा है उसकी तरफ इशारे हैं, और इसी से अंदाज़ा होता है कि ये बहरहाल आफाकी और कायनाती मामला, इसको महदूद करना और बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना शायद इससे इंसाफ करना नहीं होगा। ऐ अर्ज़े पाक, तेरी गुरमत पे कट मरे हम, ऐ खून तेरी रगों में अब तक रवा हमारा, सालार कारवां है मीरे हिजाज अपना, उस नाम से है बाकी आराम जहां हमारा, इकबाल का तराना बांगे तरा है होया, होता है ज्यादा पैमा फिर कारवां, ज्यादा पैमा रस्ते पे चलने वाला ज्यादा रास्ता। आप अगर मुलाहिजा करें तो 1907-08 की बेशतर नज़मों में किसी न किसी तरीके से आ हज़रत अलैहिस्सलाम का जिक्र है, तो वो जो कुछ भी मेरा ख्याल है इकबाल की जहनी कैफियत में तब्दीली आई, कोई नस्बुलैन वाज़े हुआ, एक अजीब गरीब जुर्रत और कुव्वत उनमें आ गई। बड़ा मुश्किल होता है आग में कूद जाना, मुश्किल काम है, कोई गारंटी हो तो तभी होता है। इसी ख्याल की तौसी यानी एक्सटेंशन बहुत वाज़े अंदाज में मंशूर की हैसियत में इस अगली नज़्म में है, जिसको उन्वान है वतनियत। मुख्तसर थी और बहुत अहम है, और चूंकि वतनियत का मामला इकबाल की जिंदगी में और उनके फिक्र में बहुत अहमियत रखता है, एक बहुत बड़े आलम दीन थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी, वो नेशनलिस्ट
थे, कांग्रेस से मुंसलिक रहे, बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत है बरसगीर की, तो उनका और इकबाल का इस नुक्ता नज़र से इख्तलाफ पैदा हो गया था। उस पर कुछ अशार भी हैं इकबाल के, चुनाचे ये मसला अब तक इस पर बहस होती रहती है और बात चलती रहती है। ब्रैकेट भी बहुत अहम है, यानी वतन बहसियत एक सियासी तसव्वुर है, एक रूहानी तसव्वुर है और मजहबी तसव्वुर है, दूसरा सियासी और जुग्राफियाई तसव्वुर है। इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और साकी ने बिना की रविश लुत्फ सितम और लुत्फ मेहरबानी करम सितम जुल्म बिना की बनाई तामीर की। मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और तहजीब के आजर ने तरशवाए सनम और आजर जो बुत साज थे। इन ताजा जी सॉरी जम का क्या मतलब है जम जमशीद जी। इन ताजा खुदाओं में वो जो नई तहजीब ने पत्थर के बुत तराशे हैं झूठे, उनमें बहुत बड़ा बुत एक ये है ये तसव्वुर। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन उसका है वो मजहब का कफन। ये बुत के तराशीदा तहजीब नबी है, नबी यानी नई नई तहजीब ने जिसको तराशा है बनाया है। गारत गर का शाना दीन नबवी है, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तफ़ी। नजारे देरीना जमाने को दिखा दे ऐ मुस्तफ़ी, खात में इस बुत को मिला दे, वो कैद मकामी तो नतीजा है तबाही, रह बहर में आजाद वतन सूरत माही मछली की तरह माही मछली है। तरके वतन सुन्नत महबूब इलाही, यानी इकबाल ने बहुत खूबसूरत बात पैदा की कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत का बड़ा कदम उठाया था वो था कि हेच हैं मकसद के सामने और अकीदे के सामने तमाम जुग्राफियाई दिलचस्पियाँ और वाबस्तगियाँ। आप ये बड़ी हैरत की बात है कि ये नुक्ता क्यों भूल जाते हैं हम लोग, कि वो इतना गैर मामूली मामला था कि अजल सहाबा ने अकाबिर सहाबा ने इस्लाम की तारीख का नुक्ता आगाज उस वाक़े को बनाया। हिजरी साल है हमारा बिल्कुल, यानी वो तारीख साज मरहला था। देखिए ना, हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ते बासादत से बड़ा इनाम है इंसानियत के लिए कोई नहीं है, उससे हमने तारीख अपनी शुरू नहीं की, आपके विसाले मुबारक से नहीं शुरू की, किसी और मामले से नहीं, हिजरत से। उस पैगाम को समझने की जरूरत है जो यही, और हज़रत अलैहिस्सलाम को रसूल करीम को सबसे ज्यादा पसंद शहर मक्का था, सबसे ज्यादा पसंद शहर मक्का था। है तरके वतन सुन्नत महबूब इलाही, दे तू भी नबूवत की सदाकत पे गवाही, गुफ्तारे सियासत में वतन और ही कुछ है, इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है, अक़वाम जहां में है रकाबत तो इसी से, तस्खीर है मकसूद तिजारत तो इसी से, खाली है सदाकत से सियासत तो इसी से, कमज़ोर का घर होता है गारत तो इसी से, अक़वाम में मखलूक खुदा बटती है इससे, कौमियत इस्लाम की जड़ कटती है। बहुत वाज़ह और बहुत तो टोक। 197 इसके लिए जो लिबास होगा इसको जितना आप उभारेंगे इसको रिलेट कर रहे हैं हम इसके साथ से लिए तो अपना ये जो पांच है जी कर रहे हैं बिल्कुल ये इस्लाम गुफ्तारे सियासत में वतन और ही कुछ है इरशाद नबूवत में बता रहा हूं जी बिल्कुल बिल्कुल असल ये उसके साथ उसको रिलेट करें जी रिलेट हो गया कि ये ताजा मिसाल जो है पाकिस्तान फर्स्ट है जी हां इस तरह के नारे जो रहते हैं पाकिस्तान क्या है पाकिस्तान फर्स्ट में सबसे पहले पाकिस्तान सबसे पहले वो बगैर हर वो होना चाहिए कोई आज नहीं किसी हद तक लेकिन वो अकीदे में अगर आ जाए
और उस बुनियाद पर आप लकीरें खींच दें तो वो गलत है। वो गलत हो गया। अपने वतन से मोहब्बत करना तो मेरा ख्याल है फराइज में शामिल है और कोई उसको बुरा नहीं कहता। आप समझ रहे हैं ना, अकीदे में अगर वो बात आ जाएगी और उसकी बुनियाद पर आप बहुत बड़ी तफरीक और लकीरें खींचना शुरू कर देंगे और उसको मुकद्दम बना लेंगे तो फिर वो बुत होगा और वो महज वतन नहीं है। मैं अपने बीवी बच्चों को, अपने कारोबार को, अपने रिस्क को अगर अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में तरजीह देता हूँ तो वो मेरे बुत है। जी हाँ, कुरान ने कहा कि क्या तू नहीं देखता उस आदमी को जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना बुत बना लिया, माबूद बना लिया, शब और रोज उसकी पूजा में लगा रहता है, वो महज वतन नहीं है। तो ये चूंकि एक मसला था और इससे मुसलमानों में जो सब कॉन्टिनेंट में थे बहुत बड़े अख्तिलाफात पैदा हो रहे थे, तो इकबाल ने इस मौके की तायद की, इन पर यह इंकशाफ हुआ कि ये मबनी बर हकीकत है और आज कल के दौर में मुसलमानों के लिए इसको फरोग देना और एक मरकजी नुकते पर लाना अहम बात। आलमी बिरादरी का तसव्वुर सर, इसमें से अगर हम ये जो ब्रैकेट्स पे बात है यानी वतन वैसीयत की सियासी तसव्वुर का जी, अगर इसको हम एलिमिनेट कर दें इस नजर में से तो फिर तो ये मौलाना मदनी का टोटल थीसिस यही था। मौलाना मदनी का क्या थीसिस था? आई मीन जो मुस्लिम कौम का जो थीसिस था और बाकी बॉर्डरली तो हम सिर्फ हिंदी हैं और औतान वतनी तौर पे हम हिंदी हैं और कौम कौम हमारी वो मुस्लिम कौम है, तो लामा पे अगर उसको निकाल दें इस बात को, क्योंकि हमें बार बार इस तस्वीर को पढ़ते हुए शायद ये जहन में रखना चाहिए कि जहां जहां पे वतन इस्तेमाल हो रहा है उसके साथ हमें सियासी तस्वीर को ऐड करना पड़ेगा इस बात के। जी जी, रुकावट ही नहीं है, जरूरी है कि हम उससे मोहब्बत करें, उसके हक हुकूक अदा करें। यहाँ जब वतन का जिक्र होगा तो वो सियासी तसव्वुर मखसूस कलोनियलिज्म के बाद का जी तसव्वुर है जिसमें बॉर्डर्स एक्सेलेंस किए जाते हैं, सिर्फ उसके ऊपर की जाती है। अरबी जबान में इस का तलफ़ुज़ है शिकवा, शीन पर ज़बर होती है, फारसी और उर्दू में शिकवा, ये वही है जिसको शिकायत है, शिकवा शिकायत। बहुत गैर मामूली नज़्म है, चंद ऐसी नज़मों में से है जिन्होंने इकबाल की अवामी मकबूलियत में बड़ा गहरा किरदार अदा किया। 1909 में लिखी गई, बहुत सारे अशआर याद होंगे हमें और बहुत ही ये दिलचस्प नज़्म है और हमें इसको जल्दी जल्दी पढ़ना है और जवाब शिकवा भी पढ़ना है आज। नहीं नहीं, ये तो फिर मैं शिकवा करूँगा आपसे, अभी वक्त है आप लवायकीन को इत्तला दे दें बाद में फिर मसाइल ना होना। बहुत खूबसूरत नज़्म, बेहद खूबसूरत नज़्म। जब बहुत बुरा वक्त था मुसलमानों पे 1857 के बाद बरसगीर में, तो एक मर्द खुदा जिनका नाम है अल्ताफ हुसैन हाली, उन्होंने एक मुसद्दस हाली लिखी थी। मुसलमान उसको पढ़ के अपने दिल की आवाज़ समझते थे और उससे वाबस्ता रहे और उसने बड़ा सहारा दिया, उसका अपना एक मर्तबा है, कोई शक व शुबा नहीं। पंजाब में एक बुजुर्ग थे सर शहाबुद्दीन, पंजाब असम्बली के स्पीकर भी रहे, उन्होंने उसका पंजाबी नज्म में पूरी मुसद्दस हाली का तर्जमा किया। ऐसे पढ़े लिखे भी पार्लियामेंटेरियंस होते थे, जज भी हो गए थे, और बहुत खूबसूरत तर्जमा है वो पंजाबी, मैंने पढ़ा हुआ है, बेहद मैं मुतासिर हूँ। ये वो सर शहाबुद्दीन है जिनसे अलामा की नोक झोंक चलती रहती थी, रंग उनका काला था, कपड़े पहनने का शौक था, कलफ लगे हुए कॉटन, ये विरासत दर विरासत हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स को अब तक मुंतकिल हो रही है, ये सिर्फ बाकी नहीं। तो वो इकबाल ने एक दिन मजाकन उन्हें कहा था कि ओए देख कबाज कट्टा बढ़ गया। मैं माजरा चाहता हूँ, जो पंजाबी से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज नहीं हो सकते मैं तर्जमा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था चिट्टे चूने काला कहाँ देखा।
ये भी ऐसी अच्छी बात है कि इकबाल अपनी पूरी जिंदगी एक तरोताजा जीते जाते इंसान के तौर पे रहे। जहां कहीं कोई जुमला लग सकता था उस मर्द कलंदर ने लगाया और इंतहाई खूबसूरत। ये एक जिंदा और गोश्त पोस्त के बने हुए आदमी की अलामत है। ये नहीं थे कि किताबी कीड़े हो गए थे और देखते ही आदमी पर दूसरे पर फलसफा उतरना शुरू हो गया। नॉट एट ऑल, बहुत जिंदा जीते रहते। देख के लोगों को मायूसी होती थी, यकीन भी नहीं आता था, यकीन भी नहीं आता था, पर उन्हें होना भी ऐसा चाहिए। मैं बड़ा रश करता हूँ उस जमाने पे जब सारे लाहौर को, दूर दराज से आने वालों को ये मालूम होता था कि फलां जगह हम जाएंगे तो इकबाल भी नहीं जाएंगे। आज यानी मामूली से कद्दोकामत वाले आदमी को मिलने के इतने लवाजमात हैं और इतने प्रोटोकॉल्स हैं कि मुलाकात ही नहीं होती। वो हर वक्त मयसर होते थे हर एक को, कोई उसमें तफरीक नहीं थी। जी बिल्कुल, बेशक इनमें बेहद खूबियां हैं वो। और फारसी वाले बहुत खूबसूरत एक बात करते हैं, वो मैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से डरते हुए नहीं कह सकता, इनसे मैं कह सकता हूँ। ऐ गुल बे तो खुरसंदम तो बूये कसीदाई, ऐ फूल तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि तुझ में खुशबू किसी की है। किसका शेर? फारसी के किसी शायर का है, मेरे शायर का नाम। ऐ गुल बे तो खुरसंदम तो बूये कसीदाई, दोष रहूं। ये बात याद रखने की है कि अल्लामा इकबाल को अल्लाह ताला के साथ किसी हद तक बेतकल्लुफी करने की आदत शुरू से थी, मरते दम तक रही, नहीं छोड़ा उन्होंने। अलबत्ता उसमें एक तदरीजी इर्तिका के तौर पर बहुत नरमी, लताफत, मोहब्बत, वो सारी चीज़ें ऐड होती गई। और ये कोई मायूब बात नहीं है बिल्कुल। हम अपने बहुत सारे अकाबर उम्मत और खुसूसन सूफिया को अगर देखते हैं तो उनकी किताबें इस तरह के वाकयात से भरी हुई हैं। खुसूसन एक बुजुर्ग थे, इकबाल ने भी उनका जिक्र किया है किसी और हवाले से, उनका नाम था शेख अबुल हसन खरकानी, ईरान में दफन है, वो उनके डिस्कोर्सेस मौजूद हैं। कोई सफ़ा ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह से उनका कोई ना कोई डायलॉग ना हो। उसमें मोहब्बत वाले भी हैं, रूठने वाले भी हैं, एतराजात भी हैं, शिकायात भी हैं, सारा मबनी बर खलूस और मोहब्बत है। तो ये भी एक रिवायत रही है। इससे पहले ये भी अर्ज कर दूं कि फारसी और उर्दू शायरी में महबूब मजाजी से रूठने की एक आदत भी रही। अलबत्ता वो शायर फिर जल्दी जल्दी वापस ले लेते थे कि कहीं साची ना हो जाए। हाँ, उसको कहते थे वासोख्त। वासोख्त का मतलब ये उस नज्म का उन्वान होता था कि जी आप ऐसे बुरे हैं, खतरनाक हैं, दूसरों को ज्यादा वक्त देते हैं, हमें बिल्कुल फराहम नहीं होते, जालिम इतने हैं, और बिल्कुल खूंखार मामला, और बस हम तो बहुत ही बेबस रहे, आपसे वाबस्ता हो गए, और अब अगर आपको देखा ना तो फिर कहिएगा नहीं देखेंगे, बिल्कुल आपसे मिलेंगे नहीं, आपने क्या किया हमारा, हमने ये किया, अपनी कुर्बानियों और मसनूई कुर्बानियों की फहरिस्त भी तवील। और आखिर में तकरीबन हर शायर ये कहता था कि नहीं तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगा वरना नजरसानी करें। और नज्म देने के फौरन बाद खुद ही राजी भी हो जाते थे, अगली नज्म उनकी मदह में होती थी कि बहुत सी तरह कुर्बान वारे हो रहे हैं। तो उसकी भी एक इर्तिकाई सूरत है ये। उस पूरे अहद में और खुसूसन उर्दू जुबान की तारीख में महबूब हकीकी से शिकवा किसी ने नहीं किया इस सतह का। और शिकवा तअल्लुक के इस्तेहकाम और मोहब्बत की शिद्दत का मुजाहरा होता, उससे टूट जाने का नहीं होता। जिससे ताल्लुक तोड़ना है उससे शिकवा करके क्या वक्त जाया करना, बस खत्म नहीं। ज़ियाकार अंबिया का भी सिलसिला रहा है, इन्ना माशका बस्सी व हुस्नी इलल्लाह, हज़रत यूसुफ के। जी हाँ, मैं अपना शिकवा, अपना दर्दो अंदो, अपने आंसू तेरी ही बारगाह में पेश करता हूं।
जियाकार नुकसान उठाने वाला, सूद फरामोश जो अपने फायदे को भुलाए बैठा हो, फिक्र फर्दा आने वाले दिन का फिक्र, गमे दोष कल का दुख, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं। अच्छा, इसमें जब हम इसको यूं टुकड़े टुकड़े करेंगे तो लुत्फ कोई नहीं आएगा, लेकिन हम मजबूर हैं कि लुत्फ न लें। कहते हैं ना कि जिस नमाज में आपका दिल न लग रहा हो उसका सवाब ज्यादा है। नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। फूल बात नहीं करता है, बुलबुलें रोती हैं, फरियादें करती हैं, वो टस से मस नहीं होता। मैं फूल नहीं हूं, मैं तो इंसान हूं। जो रतामोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। बहुत खूबसूरत तरीके से कहा। खाकम बदहन फारसी का मुहावरा है। कोई बुरी बात जब कहते हैं तो साथ कहते हैं मेरे मुंह में खाक, यानी मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, ये बात मुनासिब नहीं है लेकिन कहनी है। जुर्रत आमोज हिम्मत सिखाने वाली, ताबे सुखन बात की कुव्वत और ताकत, कि मेरी जो बात है ना मेरे दिल में उसकी ताकत मुझे हिम्मत दे रही है कि मैं कह गुजरू। और बात बड़ी अजीबोगरीब है, मेरे मुंह में खाक, मुझे अपने अल्लाह से शिकवा करना है। बजा शेवा तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्से दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, साज़े खामोश हैं फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम। ए खुदा, बहुत अच्छा शेर है। ए खुदा शिकवाए अरबाब वफा भी सुन ले, खूब गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। जो तेरी हमद सुनाइश करता रहा नस्ल दर नस्ल अपनी पूरी जिंदगी में, आज उससे शिकायत के दो चार लफ्ज भी सुन लीजिए। थी तो मौजूद अजल से ही तेरी जात कदीम, फूल था ज़ेब चमन पर न परेशान थी शमीम। शमीम महकती हुई हवा, खुशबूदार हवा। शर्त इंसाफ है ए साहिब अल्ताफ अमीन, साहिब अल्ताफ अमीन वो हस्ती जिसकी मेहरबानियां आम हो हर एक के लिए हों। बुए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीम, हमको जमईयत खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। कुछ ना समझ लीजिए मेरा ख्याल है, आप सब समझे हो रहे हैं ना आप, ये तो मोहब्बत की बात है, मेरा ख्याल है समझ आ रही है। किसको थोड़ा सा जरा ये किसको इसी को हमको जमीयत खातिर परेशानी जी 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 जमीयत खातिर है, इत्मीनान सुकून दिल का इत्मीनान। कि जी आपकी जात तो अजल से अबद तक मौजूद है, मगर कोई आपको जानता नहीं था और आपको मानता नहीं था। हमने आपका नाम और आपका पैगाम पहुंचाया और फिर मिसाल दी कि फूल खिलते हैं तो उनकी खुशबू और खूबसूरती चमन तक ही महदूद रहती है, हवा हो तो उनकी खुशबू को उड़ा के हर तरफ ले जाती है। तो हम लोग जो तौहीद का पैगाम लेकर, इस्लाम का पैगाम लेकर हर हर तरफ गए, पूरी दुनिया में आपकी खुशबू पहुंचाई, तो हम आपके फूल के लिए हवा की तरह हैं। अब हवा तो महवे सफर रहती है ना, कि हम जो जंगलों में बयाबानों में सहराओं में हर तरफ मारे मारे फिरते रहे, बल्कि हमने तो समंदरों में भी घोड़े डाल दिए थे, तो उससे हमें कोई उलझन नहीं होती थी, बल्कि उस बेसुकूनी में हमें सुकून मिलता था कि तेरा पैगाम लेके जा रहे हैं, हमको जमीयत खातिर ये परेशानी थी। ये जो दुनिया में परेशान का मतलब है परागंदा हो जाना, बिखर जाना, घूमना फिरना, सारे वो मानी है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इसके बाद, वरना मैं तेरे महबूब की दीवानी जी जी, अगर ना हो तो इसका मतलब तो वही निकलता है कि जिस तरह सहाबा नबी सल्लम के होते हुए भी उनके हुक्म के ऊपर निकल गए थे, सारी दुनिया के अंदर फैल गए थे, तो वरना उमर तेरे महबूब की दीवानी थी। हाँ। चाहते थे कि उनके पास बैठे उनके साथ, और उस बड़े मकसद के लिए उसको छोड़ा। हत्ता के हजरत उबैस बरनी ने, अजीब मिसाल है,
رسول اللہ کی زندگی میں آپ سے محبت اور عشق کی انتہا پر فائز ہونے کے باوجود ایک ذمہ داری کی انجام دہی کے لیے زیارت رسول کو تک کیا اور اسی بدولت ان کو صحابی کا درجہ بھی دیا. ماں کی خدمت کے لیے وہ بوڑھی تھی، کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، تو وہ یمن سے مدینہ نہیں جا سکے. ایسے اس کا بھی تو انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. جی وہ حکم کی حکم کی تعمیل. یہ جناب واضح ہوا کہ نہیں؟ سر ابھی تک احترام میں واضح نہ ہو، واضح نہ کریں. آپ یہ تصور فرمائیں کہ شاعر مسلمان قوم کے بارے میں بات کر رہا ہے، اللہ سے مخاطب ہو کے، کہ ہم سب نے، مسلمانوں نے دنیا میں گھوم پھر کے آپ کا پیغام عام کیا. ٹھیک، وہ جو گھومنا ہوتا ہے اس میں تکلیف ہوتی ہے نا، سفر ایک میل بھی ہو تو جہنم ہوتا ہے. وہ جو مشقتیں ہم نے سہی، انہی میں ہمارا سکون تھا. یہ جو پریشانی ہے نا، یہ سفر کی پریشانی ہے، وطن چھوڑنے کی پریشانی ہے، بیوی بچوں سے، مال و اولاد سے جدا ہونے کی پریشانی ہے، جان کا خوف ہے. اس سب کچھ میں وہ جو پیغام پہنچانے کا لطف تھا، وہ یہ ساری تکلیفیں بھلا دیتا تھا. ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی. ہاں تو دیوانی نہیں تھی نا، تو کیوں پھر گھومتی پھرتی رہی ہر طرف، گھر بیٹھتی؟ نسب العین کا درجہ نہ رکھتا تو ہم کوئی دیوانے تو نہیں تھے کہ وہ بالکل. شاعری میں اور خصوصاً اس طرح کی شاعری میں جس میں بہت بڑے فلسفیانہ یا عارفانہ مضامین نہ ہوں، عوام الناس سے خطاب ہو، پہلی ترجیح وہ ہونی چاہیے جو مفہوم فوراً سمجھ میں آ جائے. دور کے مفہوم بے شمار نکل سکتے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ایک ترجیح دینی ہوتی ہے نا. تو بالعموم جو پیغام پہنچانے والی شاعری ہوتی ہے، اس میں سامنے والا، سیدھا والا مطلب لیا جاتا ہے، کیونکہ سب کے ذہن فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں. دیگر معانی وہ برتر مرحلے کے اور ذوق والے لوگوں کے لیے ہیں، اور وہ تو ہر جگہ، ہر وقت، ہر شاعری میں موجود ہوتے ہیں. یعنی اے اللہ، آپ کے محبوب کی امت دیوانی نہیں تھی، تو پھر کیوں گھومی ملکوں ملکوں؟ اس لیے کہ آپ کا پیغام پہنچانا مقصود تھا. نسیم ہوا، نسیم ہوا، نسیم سحر، نسیم سحر، صبح کی لطیف ہوا. ہم سے پہلے تو اب وہ خدمات گنوانے کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ جتلانا ہے، جتلایا جا رہا ہے. جی ہاں، اور یہ ضروری ہوتا ہے. ہاں آپ مربت میں نہ رہیے گا. میں بالکل ذاتی تجربات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، مربت کو نہیں دنیا دیکھتی. جتلایا کیجیے. ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر. بہت ہی خوبصورت بات کی. پیکرے محسوس، ایک ایسا جسم جس کو ہم اپنی فائیو سینسز سے ریسیو کر سکیں، سونگنے سے، چکھنے سے، دیکھنے سے، ہاتھ لگانے سے. حواس خمسہ کہتے ہیں، وہ پانچ قوتیں جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. اس کو، اس اپنی کیفیت کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کسی نے پتھر کا بت بنا لیا تھا، کسی نے درختوں کی پوجا شروع کر دی تھی، کسی نے چاند سورج کی، وغیرہ وغیرہ. خوگر، خوگر کا مطلب ہے عادی. خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا. وہ کہیں کہ بھائی دی کس نے تھی قوت بازو، وہ تو بات کی بات ہے. ابھی تو ہم کہیں گے، ابھی تو بنتا بس رہے تھے. اچھا آپ بڑی فنکاری سے ان ساری بڑی قوموں کا نام لیں گے، اور لہجے میں ایک حکارت ہے.
बस रहे थे यहीं सलजूक भी तोरानी भी, पहले चीन चीन में ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी, पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। सलजूक तुर्क तोरान सेंट्रल एशिया के लोग, सासानी एक बहुत अजमत वाला खानदान था ईरानियों का, इन्होंने 400 साल हुकूमत की और इन्हीं की हुकूमत का खात्मा हुआ हजरत उमर के जमाने में जब मुसलमानों ने ईरान फतह किया। मामूरा दुनिया को कहते हैं, नसरानी ईसाई थे हम ही एक तेरे मारे का आराम में, इतने बड़ी बड़ी कौमें थी कोई आपके लिए फोन की बूंद तक देने के लिए तैयार नहीं था, हम ही थे बस। खुश्कियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में दी अजाने, कभी यूरोप के कलीसाओं में कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलेमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। कलीसा चर्च, जहांदार बादशाह हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, क्या अच्छा थी ना कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए। हम तलवारें नहीं चलाते थे कि इक्तदार हासिल करें, इक्तदार की हवस नहीं होती थी हमें, सर बकफ फिरते थे क्या जहर में दौलत के लिए। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ मुजाहिदीन को फातेहीन को कहते हैं ना कि दौलत के लालच में फलां जगह को फतह किया फलां जगह को, वो इशारा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं था। जी सर बकफ, सर को हथेली पे रख के, जान हथेली पे रख, जान हथेली पे रख। कौम अपनी जो जरो माल जहां पर मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती, क्या बात है, बहुत अच्छा। महमूद गजनवी की तरफ इशारा है, सोमनाथ का मंदिर जब वो गिरा और तोड़ रहे थे तो उन्हें बहुत बड़ा लालच दिया गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं पसंद करूंगा कि तारीख में बुत शिकन कहलाऊं न कि बुत घर, बुत फरोश, बुत फरोश। टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, वाह भाई क्या बात है, जेर खंजर में ये पैगाम सुनाया हमने, तू ही कहते कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक खुदाबंदों के पैकर किसने, काट के रख दिए कुफार के लश्कर किसने, किसने ठंडा किया आतिश कदाए ईरान को, किसने फिर जिंदा किया तज़किरा यज़दा को, यज़दा खुदा। कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार हुई, यानी कोई भी नहीं हुई हमारे अलावा, और तेरे लिए जहमत कश पैकार हुई, पैकार जंग, जहमत कश जहमत उठाने वाला, यानी आपके लिए जंग की तकलीफ किस किसने उठाई, जरा गिनवाइए हमें, किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई, किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई, किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुवल्ला हो हर कहते, हैबत दहशत खौफ रो आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहो के जमीन बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और आयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा खास, बंदा हो साहिब मोहताज बनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक, महफिले कौनो मकामे सहर और शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफत जाम, सिफत जाम जाम की तरह, कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे,
कि नहीं, नाकामी कभी नहीं देखी हमने, दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमें, सफेद दहर से दुनिया से बातिल को मिटाया हमने, नौहे इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं, क्या बात है। वाह वाह, आपको महसूस हो रहा है कि हम सबके दिल की आवाज है। यकीन जानिए अच्छी शायरी पहचान ही है, अच्छी शायरी की पहचान ही है। उम्मतें और भी हैं, उनमें गुनाहगार भी हैं। खुद ही अक्स भी कर लिया ना कि अब इसका जवाब ये आएगा कि हाँ ये सारी बातें थी, मगर आप बड़े खराब हैं, आप में बहुत मसाइल हैं, इसलिए अब आप हमारी नजरों से गिरे हुए हैं। ये जवाब खुद ही जहन में आया ना, उसका पहले ही बंदोबस्त कर रहा है। उम्मतें और भी हैं, उनमें गुनाहगार भी हैं, अज्ज वाले भी हैं, मस्त मैं पिंदार पिंदार गुरूर गुरूर की शराब में मस्त रहने वाले, उनमें काहिल भी हैं। अब अपनी सिफात सारी बयान कर रहे हैं अपनी कौम की, लेकिन कहते हैं ये तो दूसरों में भी हैं, उनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं, सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं, रहमतें हैं तेरी अग्यार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, ये क्या बात हुई। अब बिल्कुल जबरदस्त नफसियाती हल्के और ड्रामेटिक स्टाइल अब उभारा जा रहा है कि जी हम तरह तरह के ताने सुनते हैं, तो कुछ आप ख्याल करें, हमें तानों से बचाएं। बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए, है खुशी उनको के काबे के निगहबान गए, मंजिले दहर से ऊंटों के बुदी खान गए, अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए, खंदा जन कुफ्र है, एहसास तुझे है कि नहीं, अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं, ऐसा ना होने दे। मंजिले दहर जमाने के जमाने की मंजिल, खंदा जन हंसता हुआ, बुदी वो गीत है, वो लय है जो ऊंटों के सफर के दौरान गाई जाती है, और ऊंट थके हुए भी हों तो नई कुव्वत और हिम्मत से फिर महवे सफर हो जाते हैं। हुदी खान, हुदी गाने वाला, और अरबों के लिए जाहिर है ऊंट जब हम कहते हैं तो पूरी अरब तहजीब और वो इलाका हमारे जहन में आता है। ये शिकायत नहीं है उनके खजाने मामूर भरे हुए, मामूर भरे हुए नहीं महफिल में जिन्हें बात भी करने का शऊर, कहर तो ये है कि काफिर को मिले हूर व कसूर, और बेचारे मुसलमान को फकत वादा हूर। अब वो अल्ताफ नहीं, अल्ताफ मेहरबानी है। जी हाँ, अब वो अल्ताफ नहीं एक हफ्ते से। अब वो अल्ताफ नहीं हम पे नायात नहीं, बात ये क्या है कि पहली सी मुदारात नहीं, मुदारात खातिर तवाज़ो, ये कसूर कसर की जमा, कसूर कसर की जमा है महल्लात। जी मदारात खातर मदारात तवाज़ो आओ भगत। अच्छा ये जो लफ्ज़ हूर है ना, ये जमा है अरबी में, हूर सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर है हौरा, हे वाओ रे अलिफ आगे हमजा, उसकी जमा है भूर। हम बरसगीर के मुसलमानों ने फर्त जज्बात से प्लूरल को जमा जमा आहो उसको हम वाहिद के तौर पर लेते हैं। मैं माजरत चाह रहा हूँ, ये शिकवा मैं बहुत अच्छा इसकी तशरीह और तर्जमा करता हूँ अपने बाज़ तालिबे इल्मों के साथ पंजाबी में, तो कभी कभी इस दौरान मेरी जुबान से कोई पंजाबी का लफ्ज़ निकले तो चूंकि हमारा मीडियम उर्दू है तो मैं उज़्र चाहता हूँ। सही सही जो सिंगुलर है हाँ, मतलब आपने क्या बताया था, और हौरा उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है एक ऊर। अच्छा एक
अरबी और अगर बहुत सारी हूरे अरबी में कहना हो तो उसके लिए कहेंगे हूर, यानी हूर। आप कह सकते हैं एक हूर है ये, सॉरी मैं वो नहीं करना चाहता, लेकिन वो रामदीप साहब के मैंने अच्छा, उन्होंने कहा था कि हूर जो है वो काफी पहुंची थी ने कहा था कि ये उससे वो जो लोग लेते हैं उनकी जाहिर है वो अथॉरिटी तो नहीं, उन्होंने कहा था कि ये इससे मुराद पता नहीं वो आंखों की क्या वो है, इससे मुराद वो यू नो वो जो एक उसको एक फर्द और इंसान की जो हम देते हैं नहीं, वो नहीं क्या पता है मैं अजीब सा बात कही थी क्या भाई, बात सुनो हम मुसलमानों के पास खुश रहने के लिए तो आप अज़राए करम हमसे हमसे जीने के बहाने ना छीने, कुछ रहने दीजिए, लोग काफी मायूस हुए हैं, नमाज रोज़ा से भी जाएंगे, मायूसियां मत फैलाएं, उम्मीद अफजाई किया करें, अल्लाह ताला कसरत से अता फरमाए। मैं चाह रहा था कि आप तर्दीद कर दें, ऐसी कोई बात नहीं, सुना कि लोगों को उनकी अपनी बेगमात भी उरों के तौर पे मिलेंगी जी, ऐसे क्या खरीदार नहीं है फिरदौस में जो पहली बाज़ाब्ता हड़ताल होगी तो उन इबादत गुजार शोहरों की होगी और ख़वातीन से भी तो पूछें कि उन पर क्या गुजरेगी कि वही शोहर। गालिब ने गालिब का एक शेर सुना के इस हूर वाले मसले से बाहर निकल जाते हैं इंशाल्लाह जन्नत में फिर देखेंगे क्या होता है। वो कहते हैं कि जिसमें लाखों बरस की हूरें हों ऐसी जन्नत को क्या करें। सही कि जी ये जो हूर अता हुई हैं इनकी उम्र 70,000 साल जी। क्यों मुसलमानों में है दौलत दुनिया नायाब, तेरी कुदरत तो है वो जिसकी नहद है रहसाब, तू जो चाहे तो उठे सीने सहरा से हुबाब, पानी का बुलबुला हुबाब, रह रवे दश्त हो सैली जदाए मौज सराब। सराब वो जो धोखा नजर आता है चमक में, रेत चमकती है तो लगता है पानी है, सैली थप्पड़ को भी कहते हैं और सैलाब को भी कहते हैं, सैली ज़दा जिसको थप्पड़ लगे या जिसे सैलाब का सामना, सैलाब ज़दा आप कहते हैं। इस मिसरे का मतलब ये होगा कि अगर आप चाहें तो जो सहरा में सफ़र कर रहा है आदमी उसे सैलाब का सामना करना पड़े, आप रेगजारों में भी पानी पैदा कर सकते हैं, जिसे आप सिर्फ सराब का सामना है आप चाहें तो आपके इशारे से वहां सैलाब आ जाए आपके लिए क्या मुश्किल है, आप चाहें तो एक बच्चा एड़ियां रगड़े तो आप उससे जमजम जारी कर दें, जिसको आप खुद कह रहे हैं कि ये एक ऐसी जगह है ना का यहाँ उगता है, वाद इन गैर अज़ीज़र जहां ज़रात का इम्कान ही नहीं है तो वहां पानी आ जाएगा। सराब धोखा, सहरा में रेत वेत चमके, अभी किसी बड़ी अच्छी सड़क है पाकिस्तान में, अच्छी सड़कें कम है तो हाँ अगर धूप में देखें तो यूं लगता है जैसे आगे पानी है। आपको वो याद है हजरत सुलेमान की बारगाह में जब मलिका बिल्किस आई थी, कुरान करीम में है जी, वो इतना चमकदार फर्श था, ऐसा साफ सुथरा बनाया हुआ था और वो मलिका बिल्किस वो थी जिन्हें बड़ा नाज और गुरूर था अपने महज़ब होने का और बड़े बड़े कमालात का, कि वो जब आई तो उन्होंने समझा कि पानी, तो उन्होंने अपना लिबास थोड़ा सा ऊपर किया कि गीला ना हो जाए नीचे से, फिर जब उन्हें पता चला कुरान करीम में वो भी तो एक करिश्मा और खूबसूरती है, कैसी लतीफ और नाजुक बात बयान की कुरान ने। ताने अग्यार है गैर ताने देते हैं, रुस्वाई है नादारी है, क्या तेरे नाम पे मरने का एवज खारी है, बनी अग्यार की अब चाहने वाली दुनिया, रह गई अपने लिए एक ख्याली दुनिया, हम तो रुखसत
औरों ने संभाली दुनिया, फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे, ये नहीं होता। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, सारा अल्लाह ताला का नुकसान साबित कर रहे हैं और ये दरख्वास्त कर रहे हैं हज़रत करम अपना नुकसान ना होने दें। शब की आहें भी गईं, बहुत खूबसूरत, शब की आहें भी गईं, सुबह के नाले भी गए, दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए, आए हुशार गए वादे फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुखे ज़ेबा ले, अब नहीं मिलेंगे वो, अपने खूबसूरत चेहरे पर चराग लेके तलाश कर फिर भी नहीं मिलेंगे। उशाक आशिक की जमात, वादा फरदा कल का वादा टाल मटोल। ये जो दूसरा मिसरा है ये दाग का है, कौन सा? अब उन्हें ढूंढ चराग रुखे ज़ेबा ले, दाग दहलवी का जो उस्ताद थे इकबाल का। दर्द लैला भी वही, कैस का पहलू भी वही, नजद के दश्त तो जबल में रमे आहू भी वही, जबल पहाड़, रम चाल रफ्तार, रम आहू हिरन, नजद एक खित्ता है रेगिस्तानी सऊदिया का, अरबिस्तान का, इसके दो हवालों से अहमियत है। एक तो ये कि ये वो इलाका है जो लैला का वतन है, चुनांचे अरबी और फारसी और उर्दू शायरी में महबूब के वतन के लिए नजद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता रहा। सऊद फैमिली की वजह से दोस्तों कम फॉर्म जी नजद के ऊपर आते ही है। दूसरा ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया था, मुस्तनद हदीस है, कि नजद से शैतान का सींग निकलेगा। हम सही मानों में नहीं समझ सकते हैं कि उससे क्या मुराद हो, शायद कोई ऐसा फितना, कोई ऐसी चीज़ जो उम्मत के लिए या इस्लाम के लिए मुफीद नहीं होगी, पता नहीं वो निकल आया है या निकलेगा, ये भी नहीं मालूम। लेकिन ये बात मुताला नहीं किया, लेकिन इस हवाले से भी ये नजद का जिक्र है। सबसे ज्यादा तो आप ये समझ लीजिए कि नजद महबूब के इलाके के लिए इस्तेमाल होता है और बहुत ही मोहब्बत से उसका जिक्र किया गया। इश्क का दिल भी हुई, हुस्न का जादू भी हुई, उम्मत अहमद मुसल भी हुई, तू भी हुई, फिर ये आजुर्दगी गैर सबब बेवजह, क्या मानी क्यों है, अपने शैदाओं पे ये चश्मे गजब क्या मानी, शैदा आशिक, चश्मे गजब कहरो गजब, तुझको छोड़ा के रसूल अरबी को छोड़ा, बुतगरी पेशा किया बुत शिकनी को छोड़ा, इश्क वो इश्की आशुफ्ता सरी को छोड़ा, रस्म सलमान व उवैसे करनी को छोड़ा, आग तकबीर की सीनों में दबी रखते हैं, जिंदगी मिसले बिराले हबशी रखते हैं, इश्क की खैर वो अब खुद ही थोड़ा थोड़ा मान भी रहे हैं, पहले तो कहा ना सब कुछ वैसा का वैसा है, तो फिर आपने हम पर लुत्फ़ो करम क्यों छोड़ दिया, अब जरा जरा थोड़ा थोड़ा कर आशुफ्ता सरी जुनून। इश्क की खैर वो पहली सी अदा भी न सही, ज्यादा पैमाई तस्लीम और रजा भी न सही, तस्लीम और रजा, तस्लीम का मतलब है हथियार फेंक देना, सरेंडर कर देना, रजा राजी होना, इताअत के मानों में इस्तेमाल होता है। रजा, लेकिन हम उर्दू में रजा ही कहेंगे, फारसी में ये फारसी और अरबी रजा ही कहते हैं जी, रजा है। मुस्तरिब
दिल सिफत क़िबला नुमा भी न सही और पाबंदी आईने वफा भी न सही, कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई ये बात कहने की नहीं, तू भी तो हर जाई है। हर जाई क्या? हर जाई हर जाई कई कई जगह पे दिल लगाने वाला हाँ हर जगह मुख्तलिफ जगहों से वाबस्ता रहने वाला। क़िबला नुमा वो जो एक आला होता है समतें बताता है, वो हिलता रहता है, मर्करी होता है उसमें पारा होता है, तो वो उसको तशबीह दी कि वो जो क़िबला नुमा होता है वो जिस तरह तड़पता रहता है, चलिए अब हमारे दिल में वैसी तड़प ना सही कुछ कम हो गई होगी और हम उतने आपकी इताअत भी नहीं करते होंगे, लेकिन बात तो कोई नहीं ना, अगर हमसे आपने प्यार किया था मोहब्बत किया की थी तो फिर हम ही से करते औरों से ना करते। सरे फारा पे किया दीन को कामिल को मक्का मुकर्रमा के नवा में ये पहाड़ है फारा, ये कुरान करीम में जो है कि अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज मैंने अपना दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दी। एक इशारे में हजारों के लिए दिल तूने आतिश अंदोज किया, इश्क हासिल तूने फूंक दी गर्मी रुखसार से महफिल, तेरे हुस्न की इद्दत और तमाजत से किसी का दिल भी नहीं बचा, सारे तेरे असीर हो गए, तेरे आशिक हो गए। आतिश अंदोज जिसमें आग लग जाए, हासिल वो जो हमने एक दफा खरमन पर बात की थी, जब फसल इकट्ठी करके आप अंबार लगाते हैं और फिर उसको उठा के घर में लाना हो तो उसको कहते हैं हासिल। हासिल भी तू, एक बार ने कहीं दाना भी तू, खेती भी तू, हासिल भी तू। जी हाँ, आज क्यों सीने हमारे शरर आबाद नहीं, शोलों का घर शरर आबाद। हम वही सोख्ता सामान हैं तुझे याद नहीं, सोख्ता सामान जिन्होंने अपना सामान जला दिया हो, खुद को बर्बाद कर दिया हो। वादी नजद में वो शोर सलासिल न रहा, सलासिल सिलसिले की जमा है, सिलसिला का मतलब है जंजीर चेन, सलासिल जंजीरें पाबंद सलासिल। जी हाँ, आशिकों को और कैदियों को जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। कैस दीवाना नजारा महमिल न रहा, हौसले वो न रहे हम न रहे दिल न रहा, घर ये उजड़ा है कि तू रौना के महफिल न रहा। ऐ खुशान रूज के आई यो बसत नाज आई, बी हिजाबाने सुये महफिल मा बाज आई। क्या अच्छा वो दिन होगा जब तुम आओगे और बहुत ही नाज से आओगे, बेहिजाब होकर हमारी महफिल में दोबारा आ जाओगे, वही खोई हुई मंजिल हमें दोबारा मिल जाएगी, वो नेमतें मिल जाएंगी, वो मर्तबा और अहमियत मिल जाएगी। बादा कश गैर हैं गुलशन में लबे जू बैठे, बादा का शराब पीने वाले, लबे जू नदी के किनारे लुत्फंदोज हो रहे हैं, दुनिया की नेमतों से इस्तेफादा कर रहे हैं। सुनते हैं जाम बकफ नगमे कू कू बैठे, कू कू आवाज है फाख्ता की, जाम बकफ जामे शराब हथेली पे रखे हुए, यानी दुनिया की लुत्फ लज्जत से फायदा उठा रहे हैं दूसरी कौमें और दूसरे लोग। दूर हंगामा गुलजार से यकसू बैठे, यकसू एक तरफ, थलग थलग बगैर किसी टेंशन के, और तेरे दीवाने भी हैं मुंतजरे हु बैठे, हु नारे मस्ताना नारे कलंदरा। ऊपर वाला कुकू है, ये रिपीट में कुकू है जी या कुको है? नहीं नहीं, रिपीट कुकू जी। अपने परवानों को फिर जौ के खुद अफरोजी दे, खुद अफरोजी अपने आप को चमकाना, बरके देरीना को फरमान जिगर सोजी दे। आप देख रहे हैं कि कोहन और देरीना और पीर और इस तरह के अल्फाज किसी न किसी तरह इकबाल ले आते हैं, वो सारा मसला वही है 14 सदियां पहले वाला, उधर जहन ले जाने वाला। कौम आवारा इनाताब है फिर सूए हिजाज़,
इना है बाग 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 डोर बाग डोर लगाम इना ताब यानी अब इसने बागे मोड़ लिए हैं, अपना रुख कर लिया है, रुख मोड़ लिया है सूए हिजाज हिजाज की तरफ। ले उड़ा बुलबुले बेपर को मजा के परवाज, परवाज की लज्जत ने ऐसी बुलबुल को भी उड़ने पे मजबूर किया जिसके पर ही नहीं है। यानी हम कौम, हम जो मुसलमान हैं बेआसरा हैं, हमारे पास वसाइल भी नहीं है, लेकिन ज़ौके परवाज फिर भी है और इसी वजह से अब हम सारे रूब किबला हो गए और आवारा थे, मुंतशिर थे, गुमराह थे, अब हम फिर हिजाज की तरफ हमने रुख कर लिया। मुस्तरब बाग के हर गुंचे में है बुए नियाज, तू जरा छेड़ तो दे तश्नाए मिज़राब एहसास। मिज़राब का लफ्जी मतलब है जर्ब लगाने वाला आला, वो एक जो तारों वाले साज होते हैं ना, उन पर फेरने के लिए एक चीज होती है, उसको मिज़राब कहते हैं, जिससे फिर नगमे फूटते हैं उन तारों से। नगमे बेताब हैं तारों से निकलने के लिए, तूर मुस्तर है उसी आग में जलने के लिए। मुश्किलें उम्मत मरहूम की आसान, आमीन आमीन। मूरे बी माया को हम दोष सुलेमान कर, मोरे बे माया हकीर चूंटी बेहसियत चूंटी, हम दोष बराबर चूंटी और हजरत सुलेमान। सूरह नमल कुरान करीम में जिनसे नायाब मोहब्बत को फिर अर्जां कर, अर्जां सस्ता, हिंद के दैर नशीनों को मुसलमान कर, दैर बुतखाना। जुए खूमी चकद अज हसरत देरी नये माँ, मी तपद नाले बिनिश्तर कदये सीने ये माँ। जुए खून खून की नदी, मी चकद टपकती है अज हसरत देरी नये माँ, हमारी पुरानी हसरत में से खून की नदी बहती है और हमारा सीना निश्तरों का घर बना हुआ है। निश्तर वो जिससे कट लगाते हैं, जी तीर तरह मुख्तलिफ होता है, ब्लेड निश्तर। ये माँ का से मतलब मैं हो कि हम हो, हम और मैं मन 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 मैं माँ हम दीर, ये दीर कहते हैं हिंद के दैर नशीनों को मुसलमान करते, बुतखाना है दैर, दैर दैर बुतखाना, दैर बुतखाना। ये जो हमारी फरियाद है ये हमारे सीने में तड़प रही है, जिस सीने में पहले बड़े जख्म लगे हुए हैं तीरों के और निश्तरों के। तो ये तो फिर शिकवा ना हुआ, ये चला के बड़े अंदाज हो, ये तो दुआ हुई, देखिए ये पोर्शन आ गया बीच में, बिल्कुल ये तीन चार मरहले हैं, ये पोर्शन ये सारे वो हरबे वो इस्तेमाल और इख्तियार किए गए हैं। आप अगर तसव्वुर करें तो बहुत सारे दुनियादारी के शिकवों में भी ऐसा होता है, जिसको आप ना छोड़ सकते हो, जो आपको ना छोड़ सकता हो, या जिससे आपने कोई काम निकलवाना हो, हम सारे ये मरहले तय करते हैं, उसकी खूबियां भी बताते हैं, फिर उसको जरा स्नैप भी करते हैं, थोड़ा सा कंधा भी दिखाते हैं, या मैं पंजाबी में कहता तो ज्यादा लुत्फ आता, उर्दू में तो कंधा दिखाना कोई नहीं होता ना। उसको ऐसे ना समझे कि अगर एक बच्चा अपनी माँ से शिकवा कर रहा है कुछ चीज लेने के लिए, तो उसकी बदतमीजी उसके ज़हन में नहीं है, चीज का मिल जाना और उसके लिए अपनी माँ की जज्बात से मुकम्मल तौर पर खेलेगा, उससे उसके अंदर बाशी में रखेगा, अपनी बात जितलाएगा, ये सब कुछ उसके अंदर शामिल है। ये एक थानेदार के सामने शिकवा नहीं हो रहा, इसमें चार पांच मिसरे जो हम पढ़ आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो लबो लहजा इस्तेमाल भी कभी नहीं हुआ और वो बहर हाल अल्लाह के लिए नहीं मुनासिब, अल्लाह को हर जाई कहा जी, हाँ मतलब इन्होंने कहा ना अब मना रहे हैं, तो वो बहरहाल लबो लहजा काबिले इतराज तो बनता है। बस वो एडगेट करने की बात थी ना उस दौर में,
कुफर के फतवे तो किसी और ने इंडिकेट किया ना, जी हाँ लामा को करना पड़ गया, करना पड़ गया। तो उसके लिए देखिए जो होता है ना तबीब डॉक्टर हमारे इलाज के लिए उसे निश्तर से लगाने भी पड़ते हैं, काटना भी पड़ता है, तरह तरह के उसे काम कर, वो सारा कुछ कर तो फायदे के लिए रहा है, बेहतरी मकसूद है। बुए गुल ले गई बेरून चमन राज चमन, क्या कयामत है कि खुद फूल है गम्माज चमन, गम्माज शिकायत करने वाले जासूस काली भेड़े। अहदे गुल खत्म हुआ टूट गया साज चमन, उड़ गए डालियों से जमजमा परदाज चमन, जमजमा गीत जमजमा परदाज गीत गाने वाले वो जो परिंदे चमन में गीत गाते थे वो उड़ गए। एक बुलबुल है, ये बुलबुल कौन है, शायर खुद। एक बुलबुल है कि है महव तरन्नुम अब तक, उसके सीने में है नगमों का तलातुम तलातुम तूफान कुमरियां। भाई साहब ये जहन में रखें कि अब नरम सुर आ गए हैं, मध्यम सुर आ गए हैं, वाइंड अप हो रहा है मामला। वो जो तूफान था वो थम गया और इसमें इतनी मोहब्बत है, इतना दुख और इतना कर्ब है। हम जाहिर मुतासर तो होते हैं वो जो तूफानी और जज्बाती बातें हैं, लेकिन यहां जो दिल पे जख्म लगता है चोट पड़ती है इन शेरों में, वो तवज्जो कीजिएगा। कुमरियां शाख सनोबर से गुरेजां भी हुई, पत्तियां फूल की झड़ झड़ के परेशान भी हुई, वो पुरानी रवेशें बाग की वीरां भी हुई, डालियां पैराहने बर्ग से उड़ियां भी हुई, कैद मौसम से तबीयत रही आजाद उसकी, काश गुलशन में समझता कोई फरियाद उसकी। ये उन्होंने पहले कहा, इसके बावजूद फतवे तो लगे और लगने थे कि जी बाकी सब छोड़ गए, हर कोई रास्ता छोड़ गया, एक बुलबुल है मौजूद है और उसका अलमिया ये है, इसके बावजूद वो मौजूद है मैदान में, उसने अपना गीत गाने का काम नहीं छोड़ा। पैराहने बर्ग पत्तों का लिबास, उरियां बरहना नेकिड, यानी खजां भी आ गई बहार भी आई सब कुछ हुआ। इस बुलबुल ने अपनी रविश नहीं बदली, अपना तौर तरीका नहीं बदला। लुत्फ मरने में है बाकी न मजा जीने में, कुछ मजा है तो यही खून जिगर पीने में, कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में, इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं। पिछली गजल में आपने पढ़ा था कि जब सोज़े मोहब्बत दिया गया था तो फरिश्तों ने क्या कहा था, अकेले रहेंगे आपको समझेगा कोई नहीं। वही अलमिया यहाँ बड़ी शिद्दत से नुमाया है शायर का, इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीने में रखते हो वो लाले, चाक इस बुलबुले तन्हा की नवा से दिल हो, जागने वाले इसी बांगे दरा से दिल हो, यानी फिर जिंदा नए अहदे वफा से दिल हो, फिर उसी बादे देरीना के प्यासे दिल हो, अजमी खुम है तो क्या मैं तो हिजाजी है मेरी, वाह मेरी जुबान उर्दू है, अजम की जुबान है तो क्या फर्क पड़ा इससे, जो कंटेंट है वो तो मदीने का है। अजमी खुम है तो क्या मैं तो हिजाजी है मेरी, नगमा हिंदी है तो क्या लह तो हिजाजी है मेरी, क्या अच्छा शिकवा है और कितना मोहब्बत के साथ और एक तख्लीकी सतह के कर्म के साथ इसका अख्तिताम हुआ है। ये वो एहसास तन्हाई है जो अल्लाह ने हर सोचने समझने वाले गैर मामूली इंसान की किस्मत में लिख के पहले दिन से भेजा, इसलिए कि उस जैसे नहीं है ना कोई। बहुत शुक्रिया।